बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाबरकत ज़ात पर और बेशुमार दुरूद व सलाम हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी अजवाज मुताहिरात, उनकी आल और सहाबाए कराम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम साथियों, आज मैं आपके लिए जुमतुल मुबारक का एक बहुत ही बेहतरीन अमल लेकर आई हूँ। आपका दिल खुश हो जाएगा ये सुनकर कि ये अमल 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तालीम फरमाई। आप भी जुमतुल मुबारक के दिन ये एक दुआ पढ़ लीजिए, एक जिक्र कर लीजिए, इंशाल्लाह फ़क्र व फाका की तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। इसके अलावा घर में रिस्क की तंगी है और उससे जुड़ी जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और अमल की जानी बढ़ते हैं। गुजारिश करती हूँ हमारे चैनल सरदीन कॉर्नर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ बेल आइकन को दबाते ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आप पाएंगे बर वक्त ये बेहतरीन वीडियोज़। मेरे प्यारे साथियों, ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें बेशुमार ज़िक्र अज़कार बताए हैं, दुरूद पाक भी हैं और साथ साथ दुआएं भी हैं। तो आज जो अमल, जो दुआ मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताई। ये उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दुआ तालीम की है, जिनकी शान में अगर सारे जहाँ के जिनों इंसान मिलकर लिखना चाहें, कुछ कहना चाहें, उनकी तारीफ करना चाहें तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी तारीफ ख़त्म ना हो। क्योंकि जिस हस्ती पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दिन रात सलाम भेजते हों, उनका जिक्र कैसे जिक्र होगा और वह हस्ती कैसी बुलंद पाया हस्ती होगी। ये दुआ उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तरे ख़ास को अता फरमाई, इनायत फरमाई, जब एक रोज़ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने शदीद फ़क्र व फ़ाका, गुरबत और भूख की वजह से, रिस्क की तंगी की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से उनकी मुकद्दस बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की कि एक माह हो गया है बाबा जान, घर में चूल्हा जलाने की नौबत तक नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो तो बेटी 5 बकरियाँ दे दूँ, और चाहो तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अभी अभी एक दुआ सिखाई है, वो बता दूँ। तो आपकी बेटी है वो, कैसे वो कहती कि मुझे 5 बकरियाँ दे दें? उन्होंने फ़ौरन कहा कि मुझे दुआ तालीम कीजिए, मैं ये दुआ पढ़ूंगी। आप सबके सामने वो दुआ बताने जा रही हूँ। इस दुआ के बारे में सैयदतुल कायनात ने फरमाया है कि मुझसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ करने से पहले इसे पढ़ लिया करो। ये जिक्र है, या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन ज़ल कुव्वतिल मतीनी व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। तो ये दुआ आप जुमतुल मुबारक के दिन भी पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आप किसी वक्त भी चलते फिरते इस दुआ को पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, नमाज के बाद पढ़ लीजिए, या फिर एक मुकम्मल तस्बीह भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये दुआ है तो गिड़गिड़ा कर इस दुआ को आप मांगिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का वास्ता दीजिए। तो आप कोई भी दुआ करने से पहले इस जिक्र को कर लीजिए, एक बार या 100 बार एक मुकम्मल तस्बीह आप कर सकते हैं। जुम्मे के दिन किसी भी वक्त आप इस अमल को कीजिए और इस अमल को आम कीजिए। इस दुआ की इजाज़त हर एक को है, अपनी परेशानियों के हल के लिए, फ़क्र व फ़ाका को दूर करने के लिए, बरकत लाने के लिए आप ये दुआ ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।